إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة वकूल फिनार अलवाफी बिमाफ़ सही हीन सही बुखारी और सही मुसलम की अहदीस पर मुश्तम एक अज़ीम किताब किताब दस मकद में तकसीम की गई है उन दस मकाद में से पाँचवा मकसद अलजात ज़रूरिया उनदीस के बारा में है जो इंसान की लाजमी हाजतों से ताल्लुक़ रखती हैं इंसान की ज़रूरी हाइतें और इसमें कई एक कितब हैं उनमें से तीसरी किताब है किताब व भी के ये किताब तिब के बारे में है मेडिकल के अमूर के बारे में है सेहत के बारे में है इलाज वग़ैरह के बारे में है और इस किताब में दूसरी फ़सल है अब व सहर यानी कि दूसरी फ़सल तिब के बारे में है मेडिकल के उम्र के बारे में इलाज के बारे में और दम वग़ैरह के बारे में और जादू के बारे में और इसमें बाब हम पढ़ चुके हैं आज सातवां बाब शुरू करेंगे और हदीस नंबर जिसका आगाज़ होगा वो होगी बारह सौ अठारह यानी वन टू वन एट तो सातवां बाब क्या है बाब अतदावी बिलओ दिल हिंदी ऊदे हिंदी के साथ इलाज ऊद हिंदी आप लफ्ज़ से समझ रहे होंगे कि यह एक ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान की तरह मंसूब है ऊद किसको कहते हैं लकड़ी को यानी कि हिंदुस्तानी लकड़ी ये तो मैंने तर्जमा कर दिया है लेकिन अब इसका तर्जमा नहीं किया जाता इसका नाम यही है ऊद हिंदी और ऊद हिंदी की अरब ममालक में बहुत ज़्यादा मांग है बहुत ज़्यादा लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं और महंगे दामों फरोख्त होती है ये एक खुशबूदार लकड़ी है और आपने देखा होगा कि मसनबी वग़ैरह में कई दफ़ा वो लोग एक लकड़ी जलाकर उसका धुआँ मस्जिद में फैला रहे होते हैं और उस धुएँ से खुशबू आ रही होती है उसमें जो लकड़ी इस्तेमाल होती है आम तौर पर वो ऊदे हिंदी होती है तो ये लकड़ी इलाज के तौर पे भी बहुत मुफ़ी है जैसे खुशबू के तौर पे मुफ़द है ऐसे ही इलाज के तौर पे भी मुफीद है इसमें बहुत सी बीमारियों का इलाज है और उसी का तस्करा इस हदीस में होगा जो अभी हम पढ़ने लगे हैं तो हदीस नंबर क्या है बारह सौ अठारह वन टू वन एट इस हदीस के बयान करने पे इत्तेफाक है किसका इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का हन उम में कई محسن रवात है सद उम कैस मिनत मेहसन रद्ल तह हासे तो ये कौन है इनका तारुफ़ क्या है तारफ़ यह है कि वकानत मिनलमहाजरा अल्ला तबा यान रसूल अल्ला वसम ये उन अवलिन महाजर औरतों में से हैं जिन्होंने नबी अलीसम की बैत की हुई थी और ये आप सब जानते हैं कि औरतों से आप बैत कैसे लेते थे ज़बानी गुफ्तु के ज़रिए यानी कि हाथ में हाथ नहीं डालते थे मर्दों से जब बैत लिया करते थे तो आप हाथ में हाथ डाला करते थे लेकिन औरतों से बैत आप ज़बानी तौर पे लिया करते थे और आप उनके हाथ को मस नहीं करते थे उनके हाथ को अपना हाथ नहीं लगाते थे तो ये उम्र कैस उन महाजर औरतों में से हैं जिन्होंने शुरू में ही हिजरत कर रखी थी और उनमें से हैं जिन्होंने नबी अलीसम की बैद कर रखी थी वही उख उकाशा बिन महसन और ये उकाशा बिन महसन की बहन है तारफ़ क्या करवाया जा रहा है कि ये उकाशा बिन महसन की बहन है इसका मतलब ये है कि उकाशा बिन मेहसन को दुनिया जानती है इसीलिए कहा जा रहा है कि उम्म कैस उकाशा की बहन है तो उकाशा बिन महसन को दुनिया जानती है कैसे जानते हैं जी आप ये मेरा आपसे सवाल है तो जवाब ये है कि आप लोगों ने वो हदीस सुनी होगी बुखारी वगैरह की हदीस है जिसमें नबी अली हिस्सा उसनामशात फरमाते हैं सत्तर हजार लोग आपकी उम्मत में से बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएंगे कितने लोग सत्तर, सत्तर हजार लोग, लोग. अल्लाह ताला सब को उनमें से बनाए तो वो उनके औसाफ क्या होंगे वो बदशगूनी बदशगुनी नहीं लेते होंगे किसी को मनहूस जानना ये काम नहीं करते होंगे वो किसी से ये मुतालबा नहीं करते होंगे कि मुझे दम करो और तीसरे नंबर पे वो सिर्फ़ अल्लाह पे तवक्कुल करते होंगे भरोसा करते होंगे और चौथे नंबर पे इलाज के तौर पे दागने के इलाज से बचते होंगे आग के ज़रिए जिस्म को दागना इस इलाज से वो परहेज करते होंगे ये वो लोग हैं जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे जब अल्लाह के रसूल अल्लाम ने ये हदीस बयान की तो उकाशा बिन मेसन खड़े हो गए कहा अल्लाह के रसूल आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे उनमें शामिल कर दे तो आपने कहा आपने उकाशा के लिए दुआ की अल्लाह उकाशा को उनमें शामिल कर दे और एक और भी खड़े हो गया अल्लाह के सुन मेरे लिए भी दुआ कर दें तो आपने कहा सबक उकाशा कि उकाशा तुम पे सबकत ले गया ये एजाज़ उकाशा को मिल गया तो ये है उकाशा बिन मेहसन जिनको दुनिया में एजाज़ मिल गया कि बग़ैर हिसाब किताब के, के कहाँ जाएंगे जन्नत में जाएंगे उनकी बहन है उम्म कैस बिनते मेहसन तो अब रवैयत क्या है ये दरमियान में तारफ आ गया था। रवैयत क्या है? रवैयत यूं है अन उम्मी कैस मिन्तमहसन अन नहा आतत رسول الله صلى الله عليه وسلم बिमनिल्लाह के वो नबी अली सदा तो के पास अपना बेटा लेकर आई कद علقت عليه من العذري इस बेटे का इस बेटे को मसला था कहाँ हलक में? हल्क में तकलीफ थी हल्क में दर्द था और हल्क में सोजश थी उस जमाने में औरतें बच्चे के हल्क के इस मसले का इलाज कैसे किया करती थीं? वो अपनी उंगली उस जगह पे रखती जहाँ पे सोजश होती है इनके तालू को दबाती बच्चे के तालू को दबाती और उसे ऊपर कर देती जोर से दबाती इससे क्या होता वो जो उसके अंदर फासद खून है गंदा खून है काले रंग का खून है वो निकल जाता अब जब दबाती ही तो बच्चा शदीद तकलीफ महसूस करता लेकिन उसके बाद आराम मिल जाता वह सोजश खत्म हो जाती वो तकलीफ दूर हो जाती ये तरीका इलाज था जो उस जमाने की औरतें किया करती थी नबी अलीलाम इस अदीस इस में इससे रोक रहे हैं आप आपकी हदीस का मफहम यह है कि बजाय इसके तो के तुम ये इलाज इख्तियार करो जिससे बच्चे को शरीर तकलीफ का सामना करना पड़ता है तुम उदय हिंदी के जरिए इलाज क्यों नहीं करती उदय हिंदी के जरिए इलाज कैसे होगा कि उदय हिंदी को पीस लिया जाए पाउडर बना लिया जाए और उसमें कोई तेल सरसों का तेल मिसाल के तौर पे या उसमें पानी डाल लिया जाए उसके बाद यह जो अब ये पानी सा बन चुका है अब ये पानी सा जो बन चुका है इसके कतरे किस में डाले जाएं नाक में डाले जाए तो वो नाक के जरिए कहां पहुंच जाएंगे हल्क में तो वो वो मसला जो है खत्म हो जाएगा तो ये इस अदीज का मफहूम और खुलासा है तो उम्मे कैसम तहसन अल्लाह के रसूल सल्लासम के पास अपने बेटे को लेकर आई अल्लाई ही मीनादलाती उजरा का मतलब क्या है हलक की बीमारी उजरा हलक की बीमारी मीन इनके हलक की बीमारी की वजह से हलक की बीमारी की वजह से कद अल्लाह का ही ये उम्म कैस उस बेटे के तालू को अपनी उंगली से दबा चुकी थी अपनी उंगली से दबा चुकी थी फकाल तो आपने कहा इत अल्लाह से डरो अला माँ तदगर न औलाद कुल न बिहाद हिल आलाख किस वजह से तुम अपनी औलाद को उंगली से दबा कर तकलीफ़ देती हो किस वजह से तुम अपनी औलाद को उंगली से दबाती हो बेहादिल आलाक तालू पे उंगली रख कर तालू को दबा कर ये तुम उन्हें ये तकलीफ क्यों देती हो अली कुम बिहाद अलऊद अल हिंदी तुम इस ऊद हिंदी को इख्तियार करो ऊद हिंदी को क्या करो इख्तियार करो इसके साथ इलाज करो फिन नफी ही सब आता अशफिया क्योंकि इसमें सात तरह की शिफा है यानी कि सात बीमारियों का इसमें इलाज है सात बीमारियों की शफा इसमें अल्लाह ने रखी है किसमें उदे हिंदी में मिन्ह जंबी इन सात बीमारियों में से एक बीमारी क्या है नमूनिया तो आपने यहां पे कितनी बीमारियां बता दी नहीं सात तो आपने तादाद बताई ना लेकिन उन बीमारियों का नाम वो बीमारी जिनका नाम जिक्र किया वो कितनी है दो एक नमूनिया और एक गले का वो जो सोजश है जो बच्चों का मसला है उन्हें गले में वर्म पड़ जाता है और गले में फासद खून जमा हो जाता है उसका इलाज तो दो बीमारियां आपने बता दी हैं बाकी पांच यहां पे नहीं बताई और दूसरी रवायत में आता है इस रिवायत के अलावा कि जब हल्क का मसला होगा हल्क में तकलीफ होगी हल्क में सोजिश होगी तो उसका इलाज कैसे होगा आपने फरमाया कि नाक से कतरे डाले जाएंगे और जब नमूनिया होगा तो उसका इलाज कैसे होगा आपने बताया कि मुंह में कतरे उंडे ले जाएंगे तो इससे यह भी पता चला कि जब शरीयत यह कहती है कि इस चीज में इलाज है तो अब उसकी तफसीलात जो है वो तबीब हजरा से मालूम कर लेनी चाहिए शरीयत कहती है शहद में शिफा है कब शहद को शहद पीना है कैसे लेना है कितना लेना है किस बीमारी के लिए शहद को कैसे इस्तेमाल करना है तो ये एक फ़न है इसके बारे में किन से रबता करना चाहिए तबीब हजरात से हकीम हजराज से जो जानते हैं कि शहद का तरीका इस्तेमाल क्या है किस मौसम में कैसे इस्तेमाल करना है सुबह करना है खाली पेट या रात को सोने से पहले खाने के साथ क्या करना है तो देखें ना यहां पे आपने बताया पहले कि उदय हिंदी में शिफा है फिर आप क्या कह रहे हैं कि जब बीमारी होगी कौन सी नमूनिया की तो उसके कचरे कहां दाहल दा, किए जाएंगे मुंह में उ ले जाएंगे और जब मसला होगा बच्चों का कि उनके हल्क में सोजिश है तो तालू दुबाने की बजाय क्या किया जाएगा उनके नाक में कतरे डाल दिए जाएंगे यूरी दू अल कु आखिर में वजाहत है कि आप अली सात उसनाम ने जो ये कहा है कि ऊद हिंदी उदे हिंदी को इख्तियार करो इसके जरिए इलाज किया करो तो इससे मुराद क्या है इससे मुराद है कुस्त इससे मुराद क्या है यानी यानी कुस को दो तरह पढ़ा जाता है एक उस काफ के साथ जिसके ऊपर दो नुकते आते हैं और एक उस काफ के साथ जिसके ऊपर कोई नुकता नहीं होता और जिस जिस काफ में कोई नुकता नहीं है उसके आखिर में ता नुकतों वाली है जी। और जिस लफ्ज़ में काफ नुकतों वाला है उसके आखिर में क्या है वो ता है जो नुकतों के बगैर होती है तो कि कुस्त और कुस्त ये जो फर्क है ये इनके कि अल्फाज की हद हाँ तक है मुराद इससे चीज एक ही है वो क्या उदय हिंदी यानि कि हिंदी का दूसरा नाम लिया गया यहाँ पे और आखिर में इमाम जोहरी कहते हैं वही लुगत उन के कु को कु पढ़ना ये एक लुगत है ये क्या है एक लुगत है यानी कि एक ही चीज़ के दो, ए, दो नाम हैं या आप ये भी कह सकते हैं कि कुस्त और कुस्त एक चीज़ को दो तरह से जिक्र किया जाता है दो तरह पढ़ा जाता है तो यहाँ पे नबी अलीस्म ने उद हिंदी की तरगीब दी है कि इसका अहतमाम करना चाहिए इसे इलाज के तौर पे इख्तियार करना चाहिए तो यह है तिब नबी सल्ह वसम यहां पर मैं एक और वजाहत कर दूं के गुजा दर्स में हमने अदीस पढ़ी थी हदीस नंबर बारह सौ सत्रह वन टू वन सेवन उसमें आया था कि फ़िलहत सौदा इ शफा उन के काले दाने में शफा है काले दाने में क्या है शिफा है काले दाने से क्या मुराद है मैंने जिक्र किया था कलवंजी लेकिन कई नाम की राय यह है कि इससे मुराद कलवंजी नहीं है इस इमरात क्या है श्या रंग का ज़ीरा इस इमरत क्या है श्या रंग का ज़ीरा तो ये एक राय है जो मैं आपके इलम में लाना चाहता था बल्कि कई क़राम का इसरार है कि इस इमरत सिर्फ़ वही है और वो कहते हैं कि आप अरबों के पास जाएँ देखें वो क्या इस्तेमाल करते हैं इस हदीस के ऊपर अमल करते हुए तो कहते हैं जब आप अरबों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा वह सया रंग का ज़ीरा इस्तेमाल करते हैं उसके बाद बाब नंबर आठ बाब मा उल कम अति शिफा उल आइनी खम्बी का पानी आंखों के लिए क्या है शिफा है खम्बी जो है ये एक बूटी है जो खुद ही उगती है इसको उगाना नहीं पड़ता और ये आमतौर पे बरसात के मौसम में होती है तो उसके बारे में आप फरमा रहे हैं कि ये क्या है ये आँखों के लिए क्या है शिफा का से। हदीस नंबर बारह सौ उन्नीस वन टू वन नाइन काफ़ इस हदीस के बयान करने पर इतफ़ाक़ है किस किस का इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का यानी कि दोनों ही इस हदीस को अपनी अपनी किताब में लेकर आए हैं और ये हमें बाद में पता चला है कि उनमें इस मसले में इतफाक हो गया है ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई मीटिंग की थी आपस में कि हम दोनों दर्ज करेंगे ऐसी बात नहीं है, है किससे सईद बिन जैद से कहते हैं कि फरमाया रसूल सल्हुसम ने अलकमी खम्बी किसका किस हिस्सा है किसकी किस्म है मन की मन से इराद क्या है मन सलवा मन से बर क्या है मन सलवा तो हर एक ने सुना हुआ है अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कुरानी हकीम में सूर आयत नंबर सतावन में फिफ्टी सेवन में वनसम वसलवा अल्लाह ताला बनी इसराइल को मुखातब करके यहूदियों को मुखातब करके इर्शाद फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर मन व सलवा नाजल किया था कि हमारे तुम्हारे ऊपर बड़े एहसानात हैं बहुत हमने तुम पे नियमते की हैं उन नियमतों में से एक ये है कि जब तुम सहरा में थे और तुमने बैतुलमकदस में दाखिल होने से इनकार कर दिया था तो अल्लाह ने सज़ा दी कि चालीस साल इधर ही घूमते रहोगे अब तुम्हारे ऊपर बादल किया हमने और दूसरे नंबर पे हमने तुम्हारे ऊपर खाने पीने के लिए क्या उतारा मनसलवा तो नबी अली सबसे हम शात्रे हैं ये खम्बी जो है ये उसी मन की एक किस्म है कि जो मन उनके ऊपर नाजल होता था उसमें खंबी भी मौजूद होती थी और मुस्लिम शरीफ में अल्फाज हैं इस अदीस में कि खंबी उस मन में से है जो मन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पे नाजल किया था मामला मजीद वाजे हो गया कि यह वही मन है जो कि इन पर नाजल हुआ था बनी इसराइल पर तो खम भी उसका एक हिस्सा है वमा उहा शिफा उन लीलाईनी और फरमाया इसका पानी आंखों के लिए बायसे शिफा है अब आपने बता दिया इसके पानी आंखों के लिए बाय से शिफा है अब ये इस्तेमाल कैसे करना है मुंह में डालने हैं कि नाक में डालना है कि आंख में डालना है कब डालने हैं कितनी मकदार डालनी चाहिए तो इस इन कामों के लिए किन की तरफ रुजू करना चाहिए हक, आ, तबीब हजरात की तरफ रजू करना चाहिए उसके बाद और यहीं से मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि अल्लाह ने कहा है कि कुरान क्या है बैसे शिफा है कुरान क्या बैसे शिफा शिफा है वैसे शिफा है कुरान से शिफा कैसे लेनी है क्या शिफा का तरीका यह है कि आप उसको बोसे दें क्या शिफा का तरीका यह कि उसे अपने आंखों के साथ और चेहरे के साथ लगाएं क्या शिफा का तरीका यह है कि किसी कागज में चंद आयतें या चंद सूरतें लिख कर तावीज के तौर पर गले में लटका लें यह हमें कौन बताएगा कि कुरान से शिफा कैसे लेनी है ये तबीब बताएंगे तबीब यहां पे कौन है नबी अली सात तबीब कौन है सहाबा क्राम तो नबी अलीलात उसम ने कुरान करीम के जरिए दम किया है दम बताया है ये कभी नहीं हुआ किसी सही सन से साबित नहीं है कि आपने कहा हो कि कुरान करीम को लिखकर तावीज की शक्ल में गले में लड़का लो या बाजू में लड़का लो तो शिफा का तरीका किससे सीखना हमने नबी अली उसम से और साहब कराम से कि कुरान से शफा कैसे लेनी है और वो कैसे है दम के जरिए तावीज के तौर पर लड़काना ये दुरुस्त नहीं।, नहीं है बाब नंबर नौ बाब तहरीम तदाबी बिलखमरी व नजासात शराब के जरिए और पली चीजों के जरिए इलाज करने की हरुमत का बयान शराब के जरिए किसी बीमारी का इलाज करना हराम है पली चीजों के जरिए किसी बीमारी का इलाज करना क्या है हराम है तो इस हदीस ने बता दिया वादे कर दिया कि हराम चीजों में पली चीजों में अल्लाह ने शफा नहीं, नहीं।, नहीं रखी यह हदीस नंबर है बारह सौ बीस वन टू टू, टू जीरो मीम इस अदीज़ को रुआत करने वाले इमाम कौन है इमाम मुस्लिम अन तारबिन सवैदी ये साल नबी यह सल्ह वसम आनिलमरी रवायत जनाब तारक बिन सवैत जोफ़ी से रद्ल तह कि उन्होंने सवाल किया नबी सल्हु वसल्लम से खमरी किसके बारे में शराब के बारे में फनहा हो तो आप, आप वसल्म ने तारक बिन सवैद को शराब से रोक दिया औ करहा या आपने इस बात को नापसंद जाना कि तारक शराब बनाए शराब तैयार करे फकाला तो तारक ने कहा कि इन कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं शराब तैयार करता हूं दवा के तौर पे इलाज के तौर यानी इनके शराब पीने का शौक नहीं है मैं इसे तैयार करता हूं इलाज के तौर पे फकाल तो आप ने फरमाया इन नहू ले सभी दवा वाला किन्दा के इसमें कोई इलाज नहीं है बल्कि ये क्या है ये बीमारी है आप कह रहे हैं इन नहू ले सभी दवा ये दवा नहीं है इलाज नहीं है वाला दा ये ख़ुद एक बीमारी है तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शराब ये इलाज नहीं है डॉक्टर हजरात अगर किसी मरीज़ से कहते हैं कि तुम इलाज के तौर पर शराब पी लो तो उसको मालूम होना चाहिए कि शराब में कोई इलाज या कोई शफा नहीं है बल्कि जितनी भी चीज़ें पलीद हैं उनमें शफा नहीं है उसके बाद बाब नंबर दस बाब अलह मिनफई है जहन्नम बुखार जहन्नम की भाप में से है बुखार जहन्नम के जोश का नतीजा है हदीस नंबर बारह सो इक्कीस वन टू टू, टू वन काफ़ इस अदीज़ के बयान करने पर भी इत्फ़ाक है किसका बुखारी इमाम बुखारी का और इमाम मस्लिम काीबिन ऱील्लाुमा रवायत है जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रदीमां से वो रवायत करते हैं नबी सल्हु वसलम से काला कि आपने फ़रमाया बिन फ़ै जहन्नम के बुखार जहन्नम की बाप में से है उसके जोश में से है फब्रदा बिल्माई आप आपने फरमाया इसको ठंडा करो किसके जरिए इस बुखार को ठंडा करो किसके ज़रिए पानी के जरिए और आज आप जानते हैं डॉक्टर्स रात क्या कहते हैं जिसे बुखार हो किसे पानी की क्या करें पटियाँ करें कपड़े को गीला करके इसके जिसम पे बार बार फेरें नबी अली अलीसम ने यही बातें चौ सौ साल पहले बता दी लेकिन के नाम ने वादे किया है कि यह इलाज हर उस आदमी के लिए नहीं है कि जो इनके जिस, जिसे बुखार है यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि जिसे बुखार है ये ये इसका मिजाज कौन सा है तो बहरहाल ये वो इलाज है जो नबी अलीस्म ने बताया है और जिसे आज की मेडिकल साइंस पेश कर रही है उसके बाद बाप नंबर ग्यारह बाप और ये बाप किसके बारे में है ताउन के, ताउन के बारे में और यहाँ पे तौन से मुराद क्या है ख़ास ताउन की बीमारी कई दफा दफ़ाता से मुराद हर वबा ले ली जाती है लेकिन यहाँ पे मुराद क्या है ख़ास ताउन की बीमारी हदीस नंबर बारह सौ बाईस वन टू 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 काफ इस हदीस के बयान करने पे इत्तेफाक है किसका इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत है जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रजी अल्लाम आपके चचा के बेटे हाशमी ख़ानदान के फर्जंद आले बैत में से बहुत बड़े मुहदस बहुत बड़े फ़कीह मर अबिन ख़ी रदी अल्लाखारजिलाशाम जनाब अब्बास कहते हैं कि जनाब उमर बिन ख़ताब शाम के लिए निकले और ये वाक़ है सन अठारह हिजरी का जब जिस साल ताउन अमवास का लोगों को सामना करना पड़ा था उस ताउन का जिसका नाम क्या पड़ गया था ताउन अमवास तो जनाब उमर फरू शाम के लिए निकले हत्यादा कान अब सरग लक़ यहू उमरा उजनाद यहाँ तक के जब आप मकाम सरग पे थे तो आपसे मुख्तल लश्करों के कमांडर मिले अबू उबैदा जर्रा ही व सहाब हो अबू उबैदा बिन जर्रा और उनके साथी मिले तो यहाँ पे क्या कहा गया कि आपसे मुख्तलिफ़ लश्करों के कमांडर मिले असल में जनाबी उमर फ़ारूक ने शाम को कई हिस्सों में तकसीम किया हुआ था एक हिस्सा क्या है दमश्क एक क्या है उर्दन एक क्या है हिम्स एक है फ़लस्तीन तो हर हिस्से का एक कमांडर था और ये कमांडर कौन थे अबू वबैदा के नाम तो आपके सामने आ चुका इनके अलावा यजीद थे यजीद कौन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह के बेटे यजीद इनके अमीर माविया के बाई यजीद एक तो वो यजीद हैं जो अमीर माविया के बेटे हैं एक अमीर माविया के बाई यजीद हैं और ये क्या ये सहाबी हैं जनाब उमर फारूक ने यजीद बिन अबू सुफियान को अमर बिन आस को ख़ाल बिन वरीद को इन लोगों को इस इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों का क्या बनाया हुआ था कमांडर तो ये सब मुलाकात करने के लिए मकाम सड़क पर पहुँच गए अभी उमर फारूक शाम में दाखिल नहीं हुए शाम के बार्डर पर पहुँच चुके हैं तो ये इस्तबाल के लिए मिलने के लिए उन्हें वेलकम उनका वेलकम करने के लिए पहुँच गए फाखबरू तो उन्होंने आपको बताया अनबा अकदाबरद शाम के शाम की ज़मीन पर शाम के मुल्क में ताउन की बीमारी फूट चुकी है फैल चुकी है शाम से मुराद यहाँ पे कौन सा शाम है पुराना शाम पुराना शाम जो है उसमें उर्दन भी दाखिल है उसमें बैलूत भी दाखिल है उसमें फ़लस्ती भी दाखिल है उसमें मौजूदा शाम भी दाखिल है और मौजूदा शाम जो है वो तो बहुत महदूद है तो बताया क्या जा रहा है कि वबा जो है यानी कि ताउन की बीमारी शाम की ज़मीन में फैल चुकी है क़ाल अब अब्बास अब्दुलबी अब्बास कहते हैं फ़ाल उमर तो उम्र फारूक ने मुझसे कहा उद बुलाओ ली मेरे लिए अलमहाजरीन को पहले, पहले महाजरीन को अवायल महाजरीन को अवलीन महाजरीन को जिन्होंने शुरू शुरू में इजत की थी फ़दाह तो अब्दुल्ला अबिन अब्बास ने उन्हें बुलाया फस् शारम तो उनसे जनाब उमर फरूक ने मशवरा किया मशवरा किस बारे में कि बताओ कि हम शाम में दाखिल हो जाएं, जबकि वहाँ तो उनकी बीमारी फैल चुकी है या वापस चले जाएं? क्या करना चाहिए वह अखबार हम और उमर फरूक ने इन्हें बताया किन को इनवली महा, महाजरीन को कि अकद वाम कि शाम के इलाके में वह फूट चुकी है फूट पड़ी है <coughs> फ़्तलफ हो तो उन्होंने आपस में क्या किया इख्तलाफ कि इन मशवरा देने वालों ने फ़कालबाद खरात तली अमिन वला नरा अन तरज अन हो उनमें से कुछ ने कहा आप एक अजीम काम के लिए निकले हैं आप एक बड़े काम के लिए निकले हैं वला नरा हम मुनासम ख़याल नहीं करते तर जी आन हो कि आप उस काम को छोड़ के वापस चले जाए जिस मकसद के लिए आए हैं उसे पूरा करें बीमारी के खौफ से ताउन के खौफ से वापस चले जाना हम तो इसको मुनासिब ख्याल नहीं करते ये कौन कह रहे हैं अवलीन अवली कह रहे हैं लेकिन उन्होंने ये, ये ये कुछ की राय है ये किसकी राय है कुछ की वकाल वकालबाद और उनमें से कुछ ने कहा महाका बकी व वहाब रसूल सल वसलम आपके साथ बाकी मादा लोग हैं क्या मतलब बाकी मादा लोग सहाबा के नाम से बचे हुए लोग हैं बहुत से सहाबा के नाम तो फौत हो चुके हैं पहले ही अब आपके पास साब के नाम में से बचे हुए लोग हैं वह अब रसूल और अल्लाह के रसूल आलिम के साथी साथ हैं आपके साथ वला नरा हम मुनासब ख्याल नहीं करते अंतुक दिमा हम कि आप इनको लेकर जाए अलाहादल हादल वबा, इस वबा की जानबा फरूक ने कहा इरतफ्यू अन्नी मेरे पास से उठ जाओ चले जाओ ये कौन से सहाबा के हैं है सीनियर तरीन साहबा के नाम अवलीन महाजरीन उनमें इख्तलाफ हो गया और इनमें से किसी ने भी अपनी राय के हक में कोई हदीस पेश नहीं की अपनी जाति राय पेश की है आगे बढ़ते हैं सुम्मा काला फिर उमर फ़ारूक़ कहने लगे बिन अब्बा से अल अंसार मेरे मेरे लिए बुलाओ किन को अंसारियों को फज आओ तुहमदिल्न अब्बास कहते मैंने उनको बुला लिया फस्तशाराहम तो उनसे मशवरा किया किसने जनाब उमर फारूक ने फसल सबील सबीर ममहाजरीन व महाजरीन की राह पे चले महाजरीन ने क्या किया था किया था तो वो महाजरीन की राह पे चले वख्त का अख्तिलाफी और उन्होंने भी महाजरीन की तरह क्या किया आपस में इतराफ किया उनकी भी एक राय नहीं थी फकाली उम्र फरूक ने कहा मेरे पास से उठ जाओ देख लें बड़े बड़े सीनियर साहब करम महाजरीन के और अंसारियों के किसी के पास हदीस नहीं है क्या दलील है कि हदीस नहीं उनके पास हदीस होती तो उमरे फलूक को मशवरे जारी रखने की जरूरत क्या थी हदीस आ जाती तो फिर किसी से मशव़रा करने की जरूरत नहीं है हदीस आ जाए तो फिर किसी और की तइज और किसी और किस की स्टैम्प की जरूरत नहीं है हदीस बजाते खुद सुप्रीम ला है हज्जत है अथॉरिटी है सुम खाला फिर कहा जनाब उमर फरूक ने मन का नहा होना मिन मश मश्याख, मश यहाती कुरई शिन मन महाजरा तिल फतही कहा मेरे लिए बुलाओ उन लोगों को जो यहाँ पे हैं किन में से क्रैशी मशाख़ में से क्रैशी शयूख़ में से क्रैशी बुजुर्गों में से मन मुहाज तिलफी उन में से जिन्होंने फ़तह मक् के मौका पर हजरत की फतेह मक्का के मौका पे तो अल्लाह के केसूल ने कह दिया था कि ला हिजरत आबादल फतही फतेह फतेह मक्का के बाद हिजरत नहीं होगी तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि वो जिन्होंने फतेह मक्का के मौका पे हिजरत की तो इसका एक मतलब यह है कि जिन्होंने उस साल हिजरत की यानी कि मक्का फतेह होने से पहले हिजरत कर ली दूसरे नंबर पर यह है कि नबीम ने अगरचे बयान कर दिया था कि अब कोई हिजरत नहीं है तो उसका मतलब क्या था कि अब हिजरत वाजब नहीं है लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल के साथ जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह के रसूल के शहर में जिंदगी गुजारने के लिए कोई मक्का से मदीना आता है हिजरत करता है तो इसमें कोई अर्थ नहीं है तो इसलिए जाम फरूक कह रहे हैं कि मेरे लिए यहां पर उनको बुलाओ जो कुरैशी शीख में से हैं और मश जो है ये, ये जमा है किसकी शेख की शेख किसको कहते हैं उस आदमी को जिसकी उम्र पचास या पचास साल से ऊपर हो उम्र के लिहाज से शेख उसको कहते हैं तो कहा मेरे लिए बुलाओ किन को जो यहाँ पे हैं मिन मशत कुरैशिन قريشي शीख़ में से मम वहाजरतल फतही उनमें से जिन्होंने फ़तेह मक्का के मौका पे क्या किया है हजरत की है फज आओ तुहम अब्दुल् अब्बास कहते मैंने उनको भी बुला लिया फ़लम यख मिन हम आल ही रजुलानी तो उनमें से दो आदमियों ने भी इख्तलाफ नहीं किया उन सब की राय एक ही थी क्या राय थी फ़काल उन्होंने कहा नरा हमारी राय ये है कि अंतर या बिन नासी आप लोगों को लेकर वापस चले जाए वापस कहाँ मदीना, मदीना वापस मदीना चले जाएं वला अला हादल वबा हमारी राय यह है कि आप इनको इस वबा की तरफ लेकर ना जाएं जाए फलास तो जनाब उमर फलूक ने लोगों में ऐलान कर दिया क्या इन्नी अला मैं सुबह के वक़्त अपनी सवारी पे बैठ जाऊंगा मैं सुबह के वक्त सवारी पे बैठ जाऊंगा यानी कि मैं अपने सफर का आगाज कर दूंगा कि, 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 किस 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 जानव के लिए मदीना के लिए वापसी का सफर मैं सुबह के वक़्त सवारी पे बैठ जाऊंगा फ असबी तुम भी क्या करना तुम भी अपनी अपनी सवारी पे बैठ जाना तुम भी सुबह सुबह अपनी सवारियों पे बैठ जाना तो जनाब उमर फलूक ने ऐलान कर दिया है अबू वबैद इब्जर्रा जनाब अबूबैदा बिन जर्रा ने कहा और हम सब जानते हैं कि अबूबैदा बिन जर्रा कौन है या अशरा मुबरा में से हैं उन दस सहाबाराम में से एक हैं जिन्हें नबीलात अस्लाम ने इस दुनिया में एक ही मौका पे जन्नत में जाने की खुशखबरी दी है तो अबुबैदा बिन जर्रा ने कहा आफ़रार अमन क़दरल कि क्या आप अल्लाह की तकदीर से राह फरार इख्तियार करते हुए वापस चले जाएंगे? क्या आप तकदीर से भाग रहे हैं यानी कि अगर मौत लिखी है तो वो आएगी चाहे वो शाम में लिखी हो चाहे मदीना में लिखी हो आप मौत के डर से वापस जा रहे हैं तकदीर से भाग रहे हैं तकदीर से कौन भाग सकता है ये मकसूद हैबूबैदा का कि आप तकदीर से भाग रहे हैं तो तकदीर से कोई भी नहीं भाग सकता तकदीर पूरी होकर रहेगी इसलिए आप परवाह न करेंगे यानी कि आप शाम की तरफ चलें यह वैदा बिन जर्रा के अल्फाज का मतलब है कहा मिन कि कि आप आफरा अबीन कदर ला यानी कि क्या वापस जा रहे हैं अल्लाह की तकदीर से भागते हुए फकाल उमर जनाब उमर फरूग ने कहा लो गई रुका या बुबैदा अगर ये अल्फाज तुम्हारे अलावा किसी और ने कहे होते तो फिर क्या होता फिर क्या होता ये मजकूर नहीं है कलाम में इसका तस्करा नहीं है और ये हम उर्दू में भी देखते हैं कि कई दफ़ा किसी लफ्ज़ का जवाब जो होता है वो मसूफ़ होता है उस्ताद कहता है मिसाल के तौर पे क्लास में अगर कल सबक याद ना हुआ तो अब तो का मतलब उस्ताद भी जानता है क्या है जो सुनने वाले हैं वो भी जानते हैं ऐसा है कि नहीं है कोई ये नहीं कह सकता जी आपने वादे नहीं किया कि क्या होगा तो ऐसी सूरत हाल यहां पे भी है कि मैं फरूक ने कहा कि अगर ये अल्फाज तुम्हारे अलावा किसी और ने कहे होते तो फिर क्या होता एक मतलब ये हो सकता है कि फिर मुझे कोई ताज्जुब ना होता मुझे ताज्जुब है कि बेता कि अल्फाज तूने अदा किए अगर किसी और ने अदा किए होते तो मुझे ताज्जुब ना होता मुझे तुम्हारे ऊपर ताज्जुब हो रहा है कि आप ऐसे अल्फाज करें इतने समझदार होकर कि ये अल्फाज मुनासिब नहीं है और आप इतने समझदार हैं और आपने ये अल्फाज कह दिए कुछ के नाम ने कहा है कि जवाब जो मुकद्दर है जो महजूफ है वो यूं हो सकता है कि एबूबैदा ये अल्फाज तुम्हारे अलावा किसी और ने कहे होते तो मैं उसको सबक सिखाता तो मैं उसको क्या करता मैं उसको ठीक करता लेकिन अब मैं तुम्हें क्या कहूं तो ये अगर मतलब निकाला जाए तो ये भी ठीक है और कुछ के नाम कहते हैं कि लहू को आप कहेंगे तमन्ना तमन्ना के लिए किसके लिए है तमन्ना, तमन्ना, तमन्ना के लिए आरजू का माना दे रहा है तमन्ना का माना दे रहा है फिर क्या होगा काश, काश ये अल्फाज तुम्हारे अलावा किसी और ने कहे होते आपने ना कहे होते तो फिर जवाब तलाश करने की जरूरत नहीं है अगर आप ये कहते हैं कि लहू जो है वो किसके लिए है तमन्ना के मना में है अगर के माना में नहीं है किस माना में है तमन्ना का फायदा दे रहा है यानी कि अगर अगर आप उसका तर्जमा करते भी हैं तो मुराद तमन्ना है बल्कि आप अगर तमन्ना का कहेंगे तो आप कहेंगे काश काश क्या अगर लौ का तर्जमा आप करेंगे काश तो ये तमन्ना वाला माना है काश ये अल्फाज तुम्हारे अलावा किसी और ने कहे होते तो फिर जवाब की जरूरत ही नहीं है फिर गुफ्तु मुकम्मल है जनाबरू कहते हैं नाम हाँ नफिरु मिन कदर अल्ला कदर अल्ला हम अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं क्या कहा हम अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं लेकिन अल्लाह की तकदीर से भाग कर अल्लाह की तकदीर की तरफ जा रहे हैं यानी कि अगर हम शाम जाए तो वह भी अल्लाह की तकदीर के मुताबिक है अगर हम मदीना जा रहे हैं तो तकदीर में इसका मतलब है यही लिखा हुआ फिर तो हम अल्लाह की तकदीर से बाकर किधर जा रहे हैं अल्लाह की तकदीर की तरफ जा रहे हैं कहीं और नहीं जा रहे ये ऐसे ही है जैसे उलमाई के नाम कहते हैं कि अल्लाह से बा कर आपने किधर जाना है अल्लाह ही की तरफ जाना है क्योंकि अल्लाह से डर कर कोई आप किसी और से पनाह लेंगे तो कौन देगा पनाह जिसको अल्लाह पकड़े उसको कोई पनाह दे सकता है कोई नहीं दे सकता इसलिए अल्लाह से बा करके जाना होता है अल्लाह ही की तरफ जैसे वो दुआ है ना आउ दबी का मिनक और इसके अलावा भी ऐसी दुआएं आती हैं जिनसे पता चलता है कि अल्लाह से बाकर अल्लाह ही की तरफ जाना होता है फफर कुरान में अल्लाह ने कहा है तो यहां पे क्या कहा जा रहा है उम्र फरू कह रहे हैं हम अल्लाह की तकदीर से बा किधर जा रहे हैं अल्लाह ही की तकदीर की तरफ जा रहे हैं आरा इहदाहुमा इनकान वल उख़रा जदबा अब उमर फारूक अबू अबूबैदा की असलाह करना चाहते हैं मैं एक मिसाल देकर उन्हें बात समझाना चाहते हैं कहा अबू उबैदा आरा मुझे बताओ अगर तुम्हारे ऊंट हबतत हाँ दियन किसी वादी में उतर जाए पहाड़ों के दरम्यान कोई वसी जगह है बराबर हमवार जगह वहां पे तुम्हारे ऊंट उतर जाएं लहू उदवतान वादी ऐसी हो जिसके दो हिस्से हों दो किनारे हों दो जानव हों एक इधर एक उधर एहदा खसबा उन दो में से एक जानव जो हो शादाब हो वल उखरा जदबा और दूसरी क्या हो खुशक बंजर अलैसा इन रईत अल बिकदर तय क्या ये बात नहीं है कि अगर तुम इन ऊँटों को चराओ कहाँ सरसद शादाब हिस्से में तो तुम इनको वहाँ पर चराओगे अल्लाह की तकदीर के मुताबिक व इन व इन अल जदबा और अगर तुम अपने ऊँटों को चराओ उस ज़मीन में वादी के उस हिस्से में जो हिस्सा क्या है खुशक है बंजर है तो आई तहाद तो तुम उन्हें वहाँ पर चराओगे अल्लाह की तकदीर के मुताबिक इधर जाओगे तो फिर इसका मतलब है तकदीर में यही लिखा हुआ है इधर जाओगे इसका मतलब है तकदीर में यहीं लिखा हुआ है जो भी करोगे वो अल्लाह की तकदीर के आने मुताबक होगा तो अल्लाह की तकदीर से कौन भाग सकता है अब्दुल्ला अब्बास कहते हैं फजा अब्दुलरहमान बिन औोफिन तो अब्दुलरहमान बिन औफ आए वो कौन है वो भी अशरम में से हैं वकान मत बनफी बाविहा जाती है और वह अपने किसी काम की वजह से क्या थे गायब थे मौजूद नहीं थे जब ये मशवरे होते रहे हैं ये मीटिंगें होती रही हैं तब वो मौजूद नहीं थे नहीं थे, नहीं थे। फ़कान मती बन वो ग़ायब थे फ़ीबाद हाजत ही अपनी किसी हाजत की वजह से फ़ाला तो उन्होंने कहा इन दी फ़ीहाद इमा यकीन मेरे पास इस बारे में यकीनी इलम है आप लोग तो मशवरे करते रहे हैं एक दूसरे की राय लेते रहे हैं और उम्र फलूक आप से कहा कि आप लोगों से राय लेते रहे मेरे पास इस बारे में बाकायदा इलम है अच्छा आप देखिए ये इलम किस को कह रहे हैं ये देखिए जरा ये देखिए जरा इलम किस को कह रहे हैं समेत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल मैंने सुना नबी अली क्या फरमा रहे थे इससे क्या पता चला इलम से मुराद क्या ले रहे हैं फिर हदीस तो इलम किसका नाम है कुरान हदीस का नाम है यह है हकीकी इलम अल्लाह के कलाम के बारे में पता होना कि अल्लाह का कलाम क्या है अल्लाह ने क्या आर्डर दिए हैं अल्लाह ने किन चीज़ों से रोका है अल्लाह ने क्या चीज़ें वाजब करार दी हैं अल्लाह ने किन चीज़ों को हराम करार दिया है ये होता है कि क़ीलम। आपको पता हो अल्लाह तला के नाम क्या हैं अल्लाह की सिफ़ात क्या है अल्लाह का तारफ़ क्या है और आपको पता हो कि नबी अलीस्त का मकाम क्या है उनके हकूक़ क्या हैं मुसलमानों के हकूक़ क्या हैं पड़ोसियों के हकूक़ क्या हैं बी बच्चों के हकूक़ क्या हैं ये ये होता है इलम तो इलम किस चीज़ का नाम है कुरान और हदीस का नाम इलम है तो यहां पे कह रहे मेरे पास इस बारे में इलम है मैंने सुना नबी अली सात से क्या फरमा रहे थे तुम भी और दिन फला तकदमे ही जब तुम इसके बारे में सुनो किसके बारे में ताउन के बारे में भी अर दिन किसी ज़मीन में किसी इलाके में फ़ला तखदम आई ही तो उसकी तरफ ना जाओ उस जानब ना जाओ, जाओ। वहीदा वा वका भी अर दिन व अन तुम बिहा और जब ये ताऊन किसी इलाके में फूट पड़े और तुम उस इलाके में मौजूद हो फला तख तो तुम उस इलाके से ना निकलो फिर आरमिन इस ताउन से भागते हुए

किधर मदीना के लिए इस हदीस से इस पूरी रवायत से बहुत से मसायल मालूम हो रहे हैं एक तो यह पता चला कि जरूरी नहीं कि हर साहबी के पास हर हदीस हो ये मुमकिन है कि कुछ हदीसें एक सभी के पास हों और दूसरे के पास ना हो जो दूसरे के पास हों इनके पास ना हो यह वाक्य बहुत बड़ी दलील है कि महाजरीन अवलीन उनके पास यह हदीस नहीं थी अंसारीयों के पास यह हदीस नहीं थी जो फतेह मक्का के मौका पे मुसलमान हुए उनके पास भी नहीं थी हदीस ये थी सिर्फ किसके पास अब्दुलरमान बिन औफ के पास यानि उम्र फलूक के पास नहीं थी अबू उबैदा बिन जर्रा के पास नहीं थी किबार साहबा कराम जनती साहबा कराम अशरा अच्छा, मुबरा इसलिए हम कहते हैं किसी की तकलीद ना करें नबी अली सत उस की हदीस आ जाए तो आपकी हदीस की, की इतबा करें पैरवी करें दाएं बाएं ना देखें जिनको आप बड़े बड़े इमाम कहते हैं और हम भी उन्हें इमाम मानते हैं जरूरी नहीं कि उनके पास हर हदीस हो तो आप उनकी तकलीद करेंगे तो कई मसाइल में उन्होंने गलती की होगी आप भी गलती करते रहेंगे अब हमारे पाको हिंद के लोग आम तौर पे इमाम अबू हनीफा रहीम की तकलीद करते हैं एक एक दो मिसालें देता हूँ नमाज में रफुलुद्दैन नहीं करते क्यों क्योंकि इमाम साहब नहीं करते थे भाई आपके पास चालीस पैंतालीस के करीब सहाबा कराम हैं जो बयान कर रहे हैं कि नबी आलिसम रफुलुद्दैन करते थे और ऐसे साहब कराम भी हैं जिन्होंने आपके आखिरी नमादें देखी हैं वो भी कहते हैं करते थे और फिर ऐसे साहब कराम हैं जिन्होंने आपके फौत होने के बाद रफुद्देन किया इसका मतलब है वो समझते हैं कि अल्लाह के सुल आखिरी वक़्त तक करते रहें और आप सिर्फ इमामफा रही को लेकर बैठ जाए नबीम को आप नजरअंदाज कर दें भाई इमाम अबू नफा रही को याद यह हदीस मिली नहीं है या वो किसी वजह से हदीस पे मुतमिन नहीं हुए लेकिन आप तो मुतमिन हैं ना इमाम शाफी तो मुतमिन है इसके ऊपर इमाम अहमद तो मुतमिन अब्दुल्ला बिन उमर मुतमिन है साहब कम मुतमिन है तो इसलिए तकलीद जो है वो दुरुस्त नहीं है और इस वाक्य से ये भी पता चला कि जब कोई ऐसा बड़ा मसला हो तो मशवरा करना चाहिए हुमरान को भी चाहिए कि बड़े बड़े लोगों से मशवरा करें समझदार लोगों से समझदार लोगों से मुराद कौन है जिनके पास कुरान हदीस का इलम हो आज के मुसलमान हुकुमरानों को भी ये बात नोट करनी चाहिए कि जब वो किसी भी मसले में मीटिंग करें तो जहां उस शोबे के माहरीन को बुलाएं, जिस शोबे के बारे में गुफ्तु हो रही है वहाँ दो तीन बड़े कराम को भी बैठाएं कोई भी मामला हो उसे आपने शरीयत की रोशनी में भी देखना है वो माहरीन तो दुनियावी लिहाज से आपको मशवरा देंगे हो सकता है उनका मशुरा शरीयत के ख़िलाफ़ शरीत से टकरा रहा हो तो इसलिए और आम लोगों को भी चाहिए मुझे और आपको भी कि आपने ज़िंदगी के अमूर में मशवरा किया करें किन सेमा से, से। इसके लिए से तल्लुक़ कैम करना होगा उनसे दोस्ती कैम करनी होगी उनके साथ आना जाना रखें उनके करीबों और खुद भी दीन का इलम लें और इसे पता चला हकीकी इलम यही होता है जिसको क्या कहते हैं कुरान और हदीस हाँ अब सवाल ये कि मौजूदा जमाने में कोरोना की वबा है क्या ये ताउन है नहीं ये ताउन नहीं है ये ताउन नहीं है उसके बाद ये सवाल कि जिस इलाके में तोन हो क्या मैं वहाँ से किसी भी शक्ल में नहीं निकल सकता जवाब यह है कि निकल सकता हूँ लेकिन तवन के खौफ से नहीं निकलना ताउन की वजह से नहीं निकलना इसलिए हदीस में क्या है जो हदीस अब्दुल्बान बिनफ़ ने बयान की है फरमाया फला तखरद फिर अमीनू जहाँ पर तोन की बीमारी आ चुकी है फैल चुकी है वहां से इसलिए नहीं निकलना कि तुम तोन से भागना चाहते हो लेकिन आपको कोई और काम है आपका कोई और मसला है तो आप इस वजह से वहाँ से निकल के किसी और शहर में जाना चाहते हैं कोई मसला नहीं और इसमें हिकमत क्या है कि इधर वाले उधर ना जाएं उधर वाले इधर ना आएं कई एक हिकमतें बयान की गई हैं उनमें से एक ये है जो मौजूदा ज़माने में ज़्यादा वाज हुई है कि शायद शरीत चाहती है के वबा उसी इलाके तक महदूद रहे उधर से इधर ना आए और इस वैसे भी पता चला कि जब आप कोई ऐसा फैसला करें जो शरीयत के मुताबिक निकले तो आप उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें अल्लाह ने आपको शरीयत के मुताबिक फैसला करने की क्या दी है तोफीक दी है तो ये भी अल्लाह का आपके ऊपर इनाम है ये आपका अल्लाह को परेशान नहीं अल्लाह का आपको परेशान है।, है उसके बाद हदीस नंबर बारह सौ तेईस वन टू टू, टू थ्री खा इस हदीस को रवायत करने वाली इमाम कौन है इमाम बुखारी अन आयी अल्लाह अनह रवायत है उमुलन ऐशा रज्ल हासे ये कौन है ये नबी अली सतनाम की वाइफ हैं आपकी बेगम हैं मेरी और आपकी क्या लगती हैं माँ हाँ फरमाती हैं सयदा फरमाती हैं सल्त रसूल अल्ला सल्ला ताउन मैंने रसूल सल्हुसम से सवाल किया किसके बारे में ताउन के बारे में फ अखबरी तो आपने मुझे बताया अनु अदाबन यबासब है अल्लाह तेजा जिसपे चाहता है भेजता है ताउन अल्लाह काजाब है ये अजाब अल्लाह जिसपे चाहता है क्या करता है भेजता है व अन्लाज आरमतिन और अल्लाह ती इस को मोमों के लिए रहमत बना दी है एक ही चीज एक कौम के लिए अजाब है वही चीज किसी और कौम के लिए क्या है रहमत है यहां से इब्रत हासिल करें हमारे रिश्तेदारों में से दो सहबाब में से किसी पे कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो हम क्या कहते हैं पकड़ा गया है फ़लां गुनाह की वजह से पकड़ा गया है ये हो गया वो हो गया है भई हो सकता है कि अल्लाह रबुल्जत ने उसके ऊपर इसको अजाब के तौर पे ना भेजाओ रहमत के तौर पर भेजाओ क्या अम्बियाई के नाम उस नाम पे मसायब नहीं आए बिल्कुल तो क्या वो भी पकड़े गए थे नऊज बिल्ला नहीं अल्लाह की रहमत हो ही उन पर अल्लाह उनकी शान मजीद बुलंद करना चाहते हैं उन्हें मजीद रिफत देना चाहते हैं तो इसलिए अल्लाह ताला बीमारी में मुबला कर देते किसी परेशानी में मुबला कर देते ताकि सब्र करे और इसके दर्जात और बढ़ दें तो अल्लाह ने इस ताउन को के लिए क्या बना दिया बाहमत ले समिनदिन यक़ ताउन फ़ैम कुतुफ़ी बल दही साबिरमहत कोई ऐसा नहीं है कि जिसके शहर में ताउन वाक़ हो और वो फिर भी अपने शहर में क्या रहे वो अपने शहर में ठहरा रहे फैम कुतुफी बलाद ही कहां पे रहे अपने में। शहर में ही रहे साबिरन सबर करते हुए इस बीमारी पे क्या करते हुए सबर करते हुए मोहतासी बन क्यों रहे अल्लाह से जुड़ो स्वाब लेने के लिए वो अपने शहर में लोग उसके सामने मर रहे हैं तो उनकी बीमारी से दाएं बाएं लेकिन वो अपने शहर में मौजूद है क्यों क्योंकि हुक्म यह है कि अपने शहर से निकलना नहीं है तो उनकी वजह से तो अपने शहर में रहे सब्र करते हुए और अल्लाह तला से अजर षवाब की उम्मीद रखते हुए तो यामू वो जानता हो उसका अखीदा हो किला युसी बहू अतबल्ला कि उसके ऊपर वही मुसीबत आएगी जो अल्लाह ने उसके लिए लिख दी है उस पर कोई ऐसा कोई मुसीबत नहीं आएगी सवाए उसके जो अल्लाह ने उसके लिए लिख दी है कहाँ लिख दी है तकदीर में हु मित्र शहीद इन ये एक शहीद के अजर जैसा अजर होगा देखें कितना बड़ा अजर सवाब है अल्लाह की बात मानते हुए अगर आप उसी शहर में रुके रहें जहां ताउन की वाह फूट पड़ी है तो आप देखें अल्लाह आपको दे क्या रहा है हम दुनिया में क्यों आए हैं जन्नत कमाने के लिए आए हैं तो अगर तउन की बीमारी पे सब्र करने की वजह से ये सवाब मिल जाए जो शहीद को मिला करता है तो हमें और क्या चाहिए तो इससे पता चला कि अल्लाह रब्ज़त मुसलमानों पे किस कदर रहम करने वाले हैं अल्लाह ताला मुसलमानों को बार बार शहादत के मौक़े देते हैं कभी ये आता है कि जो पानी में डूब कर फौत हो जाए वो क्या है शहीद है कभी ये आता है जो आग में जल कर फौत हो जाए वो क्या है शहीद।, शहीद है कभी ये आता है कि वो औरत जो विलादत के अयाम में विलादत के अमूर में फौत हो जाए वो क्या है वो शहीद है जो किसी बिल्डिंग के नीचे आ जाए और फौत हो जाए वो क्या है शहीद है तो ये अल्लाह रबुल्ज़त की रहमतें हैं अल्लाह इज़्ज़त बहुत मेहरबान है ज़रूरत इस बात की है कि हम किस पे रहें तौहीद पे, अकीदा ठीक रखें और नमाज के मामले में सुस्ती ना करें तो अल्लाह इज़्ज़त बहुत मेहरबान है तो अब यहाँ पर देखिए कि ये तौन की बीमारी रहमत है लेकिन ये जेन में रखिएगा कि आपने शहर में रहना है एक तो भागना नहीं है सब्र करके रहना है अगर शिकवे हो रहे हैं इतराज हो रहे हैं अल्लाह के साथ बदगुमानी है तो फिर तो कोई फायदा नहीं यानी कि आप अपने मुंह से ऐसी बातें नकार रहे हैं या अपने दिल में ये पक्की बात रखे हुए हैं कि नौद बिल्ला नवज्ला बिल्ला हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा नहीं आप ईमान रखें कि अल्लाह जो करता है उसी में कोई खैर है कोई हिकमत है और उस शहर में आपने क्यों रहना है ये स्वाब कब मिलेगा जब आप अल्लाह से जरूर सवाब के लिए वहां पे रुकेंगे और अकीदा भी आपका ये हो कि मेरे ऊपर वही मुसीबत आएगी जो लिखी हुई है यानी नहीं कि अगर मेरे हक में ये लिखा हुआ है कि मैं इस बीमारी में फौत नहीं हूँगा तो सारी दुनिया मर जाए सारा शहर मर जाए मेरे ऊपर मौत नहीं आएगी लेकिन अगर अल्लाह ने लिख दिया है कि मैंने इस तौन में मरना है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे बचा नहीं सकेगी जब ये अक़ीदा होगा ये आपके दिल की सूरत होगी तब एक अजर के एक एक शहीद के अजर जैसा अजर मिलेगा उसके बाद बाब नंबर बारह बाप मज़दूम। वो शख्स जिसे जुजाम की बीमारी लगी है कोड़ की बीमारी लगी है उससे परहेज़ करना उससे दूर रहना हदीस नंबर क्या है बारह सौ चौबीस मीम इस हदीस को रवायत करने वाले इमाम कौन है इमाम मुस्लिम अन अमर बिन शरीद अन अबी ही रवायत है अमर बिन शरीद से वो रवायत करते हैं अपने बाप शरीद रज़ अल्लाह तु से कला वो कहते हैं का नफी वफदी सकीफ इन रदुर मजदूम जो वफद सकीफ़ से आया था वफदीफ में एक आदमी था मजजूमन जो जुज़ाम की बीमारी में मुबला था जो कोट की बीमारी में मुबला था फारसर नबी सल्ह वसम तो आप सल्ह वसल में उसकी जानब पेगाम भेजा इन् कदबा या ना का यकीन हमने तुम्हारी बैत ले ली है तुम वापस चले जाओ इससे क्या पता चला कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसे कोई ऐसी बीमारी लगी है जो बीमारी क्या है मुत्दी है एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल होती है तो आप उस बीमारी से बचने की कोशिश करें आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना शरीयत के आयन मुताबक है शरीयत के खिलाफ नहीं है यहाँ पे पेशकाल पैदा होता है कई लोगों को कि नबी अली सात ने का दीस में फरमाया कि ला आदवा कि एक बीमारी कोई बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स तक मुंतकिल नहीं होती तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि बीमारी में बजाते ख़ुद इतनी ताकत नहीं है कि वो अल्लाह की मशीत के बगैर अल्लाह की मर्दी के बगैर एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल हो जाए और इसकी वाद दलील क्या है इसकी वाद दलील ये है कि तौन की बीमारी आप ले लें ले, या कोरोना की बीमारी आप ले लें जहां आप ये कहते हैं कि कोरोना की बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी को लगती है और फलां फौत हो गया फलां फौत हो गया फलां फौत हो गया वहां पे आपको यह भी मानना पड़ेगा कि उस फलां के घर में कई और लोग थे जिनको बीमारी नहीं लगी कोरोना का मरीज एक घर में है मिसाल के तौर पे उससे एक आदमी को बीमारी लगती है दूसरे को नहीं लगती तो जिसको लगती है उसे क्यों लगती है, लगती है? लगती है? क्योंकि अल्लाह की मशीहत होती है और जिसे नहीं लगती क्यों नहीं लगती क्योंकि अल्लाह की तरफ से इज्जत नहीं होता इजाजत नहीं होती तो असल कौन है अल्लाह और इसबाब को मानना चाहिए कि जब अल्लाह चाहे तो कोई शको शुबा नहीं कि बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल होती है लेकिन अल्लाह ना चाहे तो फिर कुछ नहीं होता इसीलिए सही अदीस है नबी अलीस्म के पास एक अराबी आती हैं वो अल्लाह के रसूल आईलात उसम से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल एक मेरे ऊँट अच्छे भले होते हैं क्या कहते हैं मेरे ऊँट अच्छे भले होते हैं खूबसूरत बहुत प्यारे बहुत उम्दा बीमारियों से पाक फिर एक ऊँट को ख़ारिश लगती है या एक खारशी ऊंट बाहर से आता है तो उसकी वजह से सबको खारिश लग जाती है गोया के वो अराबी कहना चाहते हैं कि एक ने सबको खारिश लगा दी एक ऊंट ने सबको खारिश लगा दी तो नबी अली सात ने उस अराबी के अकीदे की सलाह करते और शायद फरमाया मुझे बताओ वो जो पहला ऊंट है जिसको खारिश लगी है उसको कहाँ से लगी है उसको किसने लगाई है तो जिस अल्लाह ने उसको लगाई है पहले को उसी अल्लाह की इजादत और ईजन और मशीयत से किसी और को लगेगी और जब वो नहीं चाहेगा तो किसी और को नहीं लगेगी अब उसी अराबी से आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि एक ऊंट आया और तुम्हारे कई ऊंटों को खर्च लग गई कई को लग गई कई को क्यों नहीं लगी बात तो ये है ना बिल्कुल तो इससे पता चला कि कोई भी बीमारी बजाते ख़ुद मुतदी नहीं होती अल्लाह की, की मशीत से मुतदी होती है और अल्लाह इज़्ज़त की शरीयत क्या कहती है कि आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें आप इसबाब इख्तियार करें जैसे कि यहाँ पर आपने इस मजलूम आदमी को जो जुजाम की बीमारी मुमताला था कोर्ड़ की बीमारी मुमतला था उसे पेगाम भेज दिया कि भाई तुम जा सकते हो हमने तुम्हारी बैद कर ली है यानी कि तुम्हें बैत करने के लिए मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है और एक अदीस में आप फरमाते हैं कि जुजाम के मरीज से ऐसे भागो ऐसे दूर रहो जैसे तुम शेर से दूर रहते हो शेर से भागते हो तो इसलिए कोरोना की बीमारी के अयाम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना शरीयत के आयन मुताबिक है तो जिस कदर मुमकन हो सके इस मामले में एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाए तो इसी में इंसान की क्या है बेहतरी है उसके बाद बाब नंबर तेरह बाब अक्कुन नजर लग जाना क्या है ये एक हकीकत है नजर लग जाना क्या है? एक हकीकत है कोई ये ना कहे कि ये तुम्हारा वहम है जी कोई नज़र नहीं लगती जी नहीं 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 शरीयत कह रही है नज़र लगती है ये एक हकीकत है ये मानना पड़ेगा हदीस नंबर बारह सौ पच्चीस वन टू टू फाइव मीम इस हदीस को रवायत करने वाले इमाम कौन है इमाम मुस्लिम आनी बबिन अब्बास रदी अल्लाहआनुमा आनी नबी सल वसम क़ाल रवायत है जिनाब अब्दल इबिन अब्बास ऱ अल्लाम से वो रवायत करते हैं किससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, से कला के आपने फरमाया अल फ़रमायान हकन नज़र लग जाना क्या है एक हकीक़त है इसके नज़र लगने को गलत करार देना दुरुस्त नहीं।, नहीं है वल शईन सबकदर सबकत आइन व तुम फगसिल हो अगर कोई ऐसी चीज़ होती जो तकदीर पे सबकत ले जाने वाली होती तो वो क्या होती वो नज़र होती अगर कोई ऐसी चीज़ होती जो तकदीर पे सबकत ले जाने वाली होती तो वो क्या होती नज़र होती लेकिन इस अदीस ने बता दिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अल्लाह की तकदीर को तब्दील कर सके जो अल्लाह की तकदीर को झूठा साबित कर सके तकदीर अल्लाह की लिखी हुई वो सौ फीसद है और उसमें ज़रा बर कोई गलती नहीं हो सकती उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती और ये जो आता है कि दुआ करने से तकदीर तब्दील हो जाती है सिला रहमी करने से उम्र में इजाफा हो जाता है सिला रहमी करने से क्या होता है आपके रिजक में इजाफा हो जाता है आपकी उम्र में इजाफा हो जाता है तो इससे क्या मुराद है इससे मुराद ये है कि ये भी तकदीर में लिखा हुआ था कि आप सिला रहमी करेंगे और आपकी उम्र में इजाफा होगा इस मौका पर जी तो वो जो कहा गया कि तकदीर तब्दील हो गई उम्र में इजाफा हो गया वो फरिश्तों के इलम के एतबार से है किनके के अतबार से फरिश्तों को तकदीर का कुछ हिस्सा दिया गया मिसाल के तौर पर उनको बताया गया कि फला इंसान की उम्र अस्सी साल है बाद में पता चला जी कितने साल है नब्बे साल है तो ये तब्दीली आई है उस तकदीर में जो किसके हवाले की गई है फरिश्ते फरिश्ते लेकिन जो असल तकदीर है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती उसमें अगर कोई अकीदा रखता है कि तकदीर उस तकदीर में तब्दीली आई है तो इसका मतलब है कि आप कहना चाहते हैं कि नाउज बिल्ला नौज बिल्ला अल्लाह का इलम जो है वो पक्का नहीं है अल्लाह ताला ने पहले किसी की उम्र लिखी हुई थी कितने साल अस्सी साल और अब उस आदमी ने इतनी मेहनत की है इतनी दुआएं की हैं इतनी सिला रहमी की है कि अल्लाह को उसकी तकदीर तब्दील करना पड़ गई है और अब नब्बे साल कर दी है और ये नाउज बिल्ला कभी भी नहीं हो सकता अल्ला का इलम पक्का उसमें कोई गलती नहीं और उसमें कोई तब्दीली नहीं तो वल उन अगर कोई ऐसी चीज़ होती साबल क़दर जो क्या होती तकदीर पे सबकत ले, सबकत ले जाने वाली होती तो सबकत आयीन तो वो क्या होती वो नजर होती अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो नजर होती वो इस पर सबकत ले जाती सबका सबकत ले जाती तकदीर पे कौन सी चीज तो इसका मतलब है कि नजर क्या है बरहक है उसके बाद आपने फरमाया तुम और जब वसल करने का मुतालबा किया जाए फ़गसिलो तो गसल किया करो इसका क्या मतलब है हाँ इस गुसल से मुराद वो गसल नहीं है जो सफाई के तौर तो पे करते हैं इनके इस शदीज़ का मतलब ये नहीं है कि आपसे बदबू आ रही है तो आपसे कहा जाए गुसल करो तो आप कर लें यहाँ पे ये मतलब नहीं है वैसे तो हर इंसान को इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि उससे किसी को बदबू ना आए लेकिन यहाँ पे ये मुराद नहीं है यहाँ पे गुफ्तगु हो रही है नज़र के बारे में तो उसके बाद तो आप कह रहे हैं जब तुमसे गुसल का मुतालबा किया जाए तो गुसल करो यानी कि कोई ये ख्याल करता है कि मुझे नज़र लगी है आपकी मेरे बेटे को नज़र लगी है आपकी तो मुझे ये शक है मैं आपसे कहता हूँ कि आप गसल करके मुझे पानी दें मैंने अपने बेटे पे डालना अपने ऊपर डालना है ताकि ये बद का असर जो है ख़त्म हो और इससे ख़त्म होता है गुसल करने से तो आपको चाहिए कि आप गसल करें और अपना पानी दें मेरे हवाले करें ताकि मैं अपने ऊपर डाल सकूं, अपने बच्चे पे डाल सकूं, और ये बद जो है ये ख़त्म हो सके तो नज़र नज़र लग जाने के बाद ये भी एक इलाज है एक तो इलाज ये है कि आप अपने ऊपर क़ुरान पढ़ें फातिहा पढ़ें तीनों कुल बार बार पढ़ें और दूसरा इलाज क्या है कि वो आदमी जिसके बारे में शक है कि उसकी नज़र लगी है उसका इस्तेमाल किया हुआ पानी लें या तो उसके वजू का पानी ले लें या उसके गुसल का ले लें और वो अपने ऊपर डालें या उस मरीज के ऊपर डालें जिसके बारे में शक है कि इसको उसकी नजर लगी है उसके बाद बाब नंबर चौदह बाबू रुख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह बाब किस बारे में है नबी अलीस्म के दम के बारे में कि आप कौन सा दम किया करते थे हर कोई ये दम याद करे और अपने मरीज़ों को खुद दम किया करें बजाय इसके कि आप पीरों के पास भेजें मौली साहब के पास भेजें आप खुद दम करें आपको दम करने की का सवाब भी मिलेगा और इलाज भी यह हो जाएगा आपका आपके बेटे का हदीस क्या है बारह सौ छब्बीस वन टू टू सिक्स काफ इस हदीस के बयान करने पे इतफ़ाक़ है किसका इमाम बुखारी का और इमाम उसम का अन आयशत रदील रवायत है उमुलन आयशा रदीलहा से अन नबी व्मानी के नबी आल उस मरीज से कहा करते थे क्या कहा करते थे बिसमिल्ला तुर्बत अर्दीना बरी कति बादी युफा शकीमोना बेदन रबीना यह हैं दम के अलफ़ाज लेकिन यहाँ पर एक वजाहत कर दूँ जो दीगर रवायात रवायत रवायात में आई है उ, 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 उस रवायत में कहती हैं उमुलशा जो इस हदीस की भी राविया हैं कि जब कोई इंसान बीमार होता उसे को मसला होता उसे कोई ज़ख़म होता उसको को फोड़ा निकल आता तो नबी अली अलीलातम आपनी अंगूठते शहादत ये शहादत वाली उंगली कहाँ पर रखते ज़मीन पर फिर उसको उठाते मुराद ये है कि पहले उसके साथ क्या लगाते थूक अपना बाबरकत लो आप लगाते उसके साथ आप वो गीली हो गई है आप उसको ज़मीन के साथ लगाते अब उसके साथ क्या लगाई है मट्टी तो वो मट्टी लगाते उस ज़खम पे फोड़े पर उस दर्द की जगह पर और साथ साथ ये पढ़ते तो क्या पढ़ते देखें बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से यानी मैं ये दम कर रहा हूं मैं ये पढ़ रहा हूं किसके नाम से अल्लाह के नाम से, से। तुरबातु अर्दीना ये हमारी जमीन की मट्टी है हमारी जमीन से मुराद क्या है मुसलमानों की जमीन हमारी जमीन की मट्टी बरी कतिबादीना हम में से किसी के लुआब के साथ हम में से किसी के लुआब के साथ युशफा शकी मुना बेदन रबीना हमारे रब के इज़न से हमारे रब की मशीयत से हमारा मरीज़ शिफा याब होगा हमारे मरीज को क्या मिलेगी शिफा मिलेगी तो ये बड़े अजीम अल्फाज हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से ये राज है अल्लाह के नाम लिया गया यहाँ पे और अर्दीना से कई लोग कहते हैं कि मट्टी सिर्फ मदीना की होनी चाहिए इसलिए कई लोग मदीना की मट्टी खरीद कर ले आते हैं उसको खाके शिफा के नाम देते हैं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है तुरबत हमारी ज़मीन की मट्टी मुसलमानों की ज़मीन की मट्टी वो जहाँ पर भी ज़मीन हो चाहे वो मका मदीना में हो या किसी और जगह हो तो अल्लाह के नाम के साथ हमारी ज़मीन की मट्टी हम में से किसी के लुआब के ज़रिए उसकी थूक के ज़रिए युशफा सकी मोना हमारे मरीज़ को शफा मिलेगी भी बेदन रबिना हमारे रब के इज़न से हमारे रब की मशीयत से तो ये दम करना चाहिए ये पढ़ना चाहिए अल्लाह रब्बुल रब्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्ज़त तमाम मुसलमान मरीज़ों को शफा दे और हमें नबी अलीसमाम की शरीत के मुताबिक इलाज इख्तियार करने की तोफीक दे अल्लाह ताली ऐसे इलाज से बचाए जो बदआत पे मुश्तल हो जो शिरक पर मुश्तमल हो जो कबीरा गुनाहों पर मुश्तल हो अल्लाह ताली ऐसे तमाम इलाजों से हमें मफूद रखे और दुरुस्त इलाज करने की तोफ़ी दे अल्लाह में तमाम बीमारी से मफूद रखे हमें भी हमारे बच्चों को भी हमारे दोस्त अब को रिश्तेदारों को वालदेन को या अल्लाह हमारे वालदे में से बहन भाइयों में से रिश्तेदारों में से जो फ़ौत हो चुकी हैं उनकी कब्रें मनवर फरमा उनकी कब्रें कुशादा फरमा उन्हें कब्र अदाब्रदाब जन्म से महफूज फरमा या अल्लाह हम सबको सब व सुन्नत का, का काम करने की तौफीक दे हमारे बच्चों को कुरान का हाफ़ दीन का आलम बना जिनके पास औलाद नहीं है उन्हें नेक औलाद दे जिनके पास रिजक और मुलाजमत नहीं है उन्हें रिजक दे नेक एक अच्छी जॉब दे अच्छी मुलाजमत दे या अल्लाह जितने भी परेशान हैं उनकी सब परेशानियाँ दूर फरमा और जो भी इस दौरा में शरीक हैं और इससे ताउन करते हैं किसी भी लिहाज से या अल्लाह उन सब की मेहनतें कबूल फरमा उनकी जिंदगियों में बरकतें डाल व आ खुदावानादिल्लाबी आम